नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जय हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे HIV के लक्षण क्या होते हैं, शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और क्रॉनिक लक्षण क्या होते हैं। HIV एक तरह की गंभीर जानलेवा बीमारी है। अगर इसका समय पर इलाज नहीं किया जाए तो व्यक्ति की जान भी जा सकती है। यह बीमारी असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने की वजह से होती है। इसके लक्षणों का पता चलते ही इलाज कराने पर इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। HIV क्या है? What is the HIV? HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। यह एक तरह का वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है, इम्यूनिटी पर हमला करता है। यदि इसका इलाज नहीं किया जाता है तो HIV से एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम रोग हो सकता है। HIV पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने से, अवैध इंजेक्शन दवा के उपयोग से, सुइयों को साझा करने से, संक्रमित रक्त के संपर्क में आने से फैलता है। HIV का कोई प्रभावी इलाज नहीं है। एक बार व्यक्ति को HIV हो जाता है तो यह जीवन भर के लिए रहता है। मानव शरीर HIV से छुटकारा नहीं पा सकता है, लेकिन उचित चिकित्सा से इसे नियंत्रित जरूर किया जा सकता है। कि HIV की दवा जिसे एंटीरोवायरल थेरेपी या ART के साथ प्रभावी उपचार उपलब्ध है। यदि आप इसे निर्धारित अनुसार लेते हैं तो HIV की दवा रक्त में HIV की मात्रा को बहुत कम कर सकती है। आगे HIV के 3 चरण और HIV के लक्षण बताएंगे आपको। चरण नंबर 1, तीव्र HIV संक्रमण, एक्यूट HIV संक्रमण। HIV से संक्रमित होने से 2 से 4 सप्ताह के अंदर लगभग 2/3 लोगों को फ्लू जैसी बीमारी हो जाती है। फ्लू जैसे लक्षण में शामिल हो सकते हैं शरीर पर खरोंच आना, मुंह के छाले होना, बुखार आना, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द होना, रात को पसीना आना, गला खराब होना, सूजी हुई लसीका ग्रंथियां, थकान महसूस होना। यह लक्षण कुछ दिनों से लेकर कई हफ्तों तक भी रह सकते हैं। कुछ लोगों में HIV के प्रारंभिक चरण के दौरान कोई लक्षण नहीं होता है। इनमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको HIV ही है। यह अन्य बीमारियों के कारण होने वाले लक्षणों के समान हो सकते हैं। चरण 2, नैदानिक विलंबता, क्रॉनिक HIV संक्रमण। इस अवस्था में शायद बीमार होने जैसा महसूस ना हो या कोई लक्षण न दिखाई दे रहा हो। कुछ लोग बिना उपचार के इस अवस्था में 10 या 15 साल तक रह सकते हैं, लेकिन कुछ इस अवस्था में तेजी से आगे बढ़ते हैं। यदि आपके द्वारा HIV दवा बिल्कुल निर्धारित अनुसार ली जा रही है, आप तो लंबा और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर आपका वायरल लोड पकड़ में आता है तो आप इस चरण के दौरान HIV संचरित कर सकते हैं, चाहे आपको कोई लक्षण न हो। अब हम बात करें चरण 3, एड्स। यह HIV संक्रमण का अंतिम चरण होता है। HIV होने पर HIV का इलाज नहीं किया तो वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देगा और आप एड्स की ओर बढ़ जाएंगे। एड्स के लक्षण शामिल हो सकते हैं जैसे निमोनिया, तेजी से वजन घटना, आवर्ती बुखार, स्मृति हानि, मेमोरी लॉस, लसीका ग्रंथियों का लंबे समय तक सूजना, रात को पसीना आना, मुंह, गुदा या जननांग के घाव होना, अत्यधिक थकान होना, 1 सप्ताह से अधिक समय तक दस्त लगे रहना, त्वचा पर या उसके नीचे या मुंह, नाक या पलकों के अंदर लाल, भूरे, गुलाबी या बैंगनी रंग के धब्बे होना। ये लक्षण आपको
तृतीय स्टेज में दिख सकते हैं, थर्ड स्टेज के लक्षण होते हैं। तो हम बात करते हैं प्रारंभिक एचआईवी लक्षण, अर्ली एचआईवी सिम्टम्स की। एचआईवी के शुरुआती लक्षण को तीव्र रेट्रोवायरल सिंड्रोम भी कहा जाता है। इससे संक्रमित होने के एक महीने में फ्लू जैसी बीमारी आ सकती है। एचआईवी वाले सभी लोगों में फ्लू जैसे शुरुआती लक्षण नहीं होते हैं, यह सिर्फ 3 में से किसी एक को ही हो सकता है। आगे जानते हैं शुरुआत में पुरुषों में एचआईवी के लक्षण क्या दिखते हैं। नंबर 1, बुखार। बुखार कुछ दिनों से लेकर महीने भर भी रह सकता है। नेक्स्ट है थकान, बेवजह ही थकान महसूस होना भी इसका प्रारंभिक लक्षण है। भूख में कमी, भूख कम लगती है। यदि सामान्य से कम भूख लग रही हो सकता है यह एचआईवी का लक्षण हो। सिर दर्द, शुरुआती लक्षणों में आपके सिर में दर्द होने लगेगा। यदि आपको लगातार सिर दर्द रहता है तो डॉक्टर को दिखाएं। गला खराब होना, बिना ठंडे मौसम के आपका गला खराब रहने लगा है। आपको सर्दी जुकाम नहीं, लेकिन फिर भी आपका गला खराब हो सकता है। त्वचा के लाल चकत्ते, त्वचा पर अचानक ही लाल चकत्ते आना, इससे ग्रसित व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। उन्हें कुछ न कुछ होता ही रहता है, किसी न किसी तरह की बीमारी से वह घिरा रहता है। खरोंच, आपके शरीर पर खरोंच भी दिख सकती है। शरीर के किसी भी हिस्से पर खरोंच जैसा हो सकता है। दोस्तों, ये थे एचआईवी होने के सिम्टम्स। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।